ओके, गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो होने वाला है अबाउट फुल डे ऑफ ईटिंग और आज लेग डे भी है। फुल डे ऑफ ईटिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोल दे रहा हूँ कि आप लोग कुछ मतलब मेरा देखकर कॉपी पेस्ट मत कीजिए कि सेम टू सेम, क्योंकि सबका बॉडी अलग है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली आप लोग डाइट बनाइए और उसके हिसाब से ही फॉलो कीजिए। तो पहले अपना मील नंबर वन दिखा देता हूँ। तो मील नंबर वन में है, जो लोग मुझे मतलब पहले वीडियो देखे होंगे उन लोगों को पता होगा, यह पड़े हुए आइसोलेट, वन बनाना, 50 ग्राम ओट्स और यह पड़े 250 ml डबल टोन मिल्क। तो यह पर मैं तो जनरली यूजुअली ये मतलब सुबह को यही खाता हूँ, फिर इसके बाद जाता हूँ जिम में। तो और एक बात कि बहुत लोग मतलब अंडर एस्टिमेट करते हो इंडियन फूड को, तो यही मेरा गोल है दिखाने को कि मैं जो खाता हूँ वो सब इंडियन फूड ही है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर इंडियन फूड, योर होम फूड, और मतलब यू नीड टू नो हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट, तभी आप लोग का बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, आप लोग को पता ही नहीं आप लोग कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, तब आप लोग को मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, आपका डिजायर्ड गोल नहीं पहुंच पाओगे। तो यही है बोलने को। तो अभी अपना मील कंप्लीट करता हूँ और निकलते हैं जिम के लिए। तो अभी वार्म अप किया हैक स्क्वाट में, तो थ्री वॉकिंग सेट लगाऊंगा हैक स्क्वाट का और थर्ड एक सेट में ड्रॉप सेट लगाऊंगा। तो देखना हैक स्क्वाट का मतलब पूरा वीडियो देखना, इट्स गॉट अ बेनिफिट। लगाएंगे बॉडी के डेथ सेट। तो डेथ सेट क्यों, क्योंकि इसमें भी हर एक सेट में ड्रॉप सेट लगाऊंगा। तो आप लोग देखिए इंटेंस होने वाला है, क्रेजी वर्कआउट।
में लेड आउट वे प्रोटीन आइसोलेट वर्कआउट के बाद, तो आप लोग ये मील में कंसिडर मत कीजिए, मैं घर में जाऊंगा फिर आप लोग को दिखाऊंगा मैं पोस्ट वर्कआउट मील क्या लेता हूँ। तो अब ये पी लेते हैं फिर घर में मिलते हैं आप लोग से पोस्ट वर्कआउट मील में। ओके सो अभी आप लोग को दिखाता हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट मील। तो पोस्ट वर्कआउट मील में मैं ले रहा हूँ यहाँ पड़े 200 ग्राम वाइट राइस, यहाँ पड़े 200 ग्राम चिकन और यहाँ पड़े सैलड, मतलब सैलड सब क्यूक्यूम्बर अनियन सब डालकर ऐसा मिक्स कर लिया हो, टोमेटो सब डालकर मिक्स कर लिया हो। तो अभी बहुत ही भूख लगा है, अभी खाते हैं, लेट्स डिग इन। सो अभी बज रहा है 7 PM, तो अभी टाइम है मील नंबर 3 का। तो मील नंबर 3 में जो पोस्ट वर्कआउट मील में लिया था वही सेम है, अभी का मील भी सेम है पोस्ट वर्कआउट मील में जो लिया था। तो आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर है 200 ग्राम व्हाइट राइस, यहाँ पर है 200 ग्राम चिकन और यहाँ पर है सैलड। तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते होंगे, मतलब आप लोग सुने होंगे, रिलेट कर पाओगे कि आप लोग कार्ब्स अवॉइड करना चाहिए आप लोग को, मतलब कार्ब्स नहीं लेना चाहिए रात को। मैं बस एक सिंपल चीज़ बोलना चाहता हूँ, चाहे 200 ग्राम व्हाइट राइस में 260 कैलोरीज हो, चाहे आप वो दिन में लो या शाम को लो रात को लो, 260 कैलोरीज तो 260 कैलोरीज ही रहेगा, रात को लेने से वो 260 कैलोरीज 500 कैलोरीज नहीं बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक पर्टिकुलर फूड लेने से ना ही आपका फैट लॉस होगा ना ही आपका वेट गेन होगा। आप लोग मतलब पूरा दिन का जो आप लोग खा रहे हो, आपका जो कैलोरीज इनटेक है वो मैटर करता है, ना कि आप एक फूड खाने से आपका वेट गेन हो जाएगा ना कि एक फूड हटाने से आपका फैट लॉस हो जाएगा। तो थिंक एंड एक्ट स्मार्ट, ठीक है, आप ऐसी किसी के बातों में मत आ जाइए, थिंक एंड एक्ट स्मार्ट। तो अभी अपना मील कंप्लीट करते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं लास्ट मील में, तो डिनर में। तो अभी मील कंप्लीट करते हैं और आप लोग से मिलते हैं लास्ट मील में। टाइम है मील नंबर 4 का, जो मेरा होने वाला है लास्ट मील। तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं क्या ले रहा हूँ लास्ट मील में। सो यहाँ पड़े 2 चपाती, 200 ग्राम दही और 6 स्क्रैम्बल्ड एग। सो ये मील लेने के बाद फिर मैं लूँगा एक फिश ऑयल, फिर हो गया ये मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग। तो ये था फुल डे ऑफ ईटिंग का वीडियो, होप आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बोलिए आप लोग को कैसा लगा ये पूरा वीडियो। और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं चैनल में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे उधर फॉलो नहीं करते हो तो जाकर चेकआउट कीजिए मतलब प्रोफाइल को और फॉलो कीजिए उधर। मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और मतलब बहुत सारे चीज़ शेयर करता हूँ उधर भी, तो जाकर ज़रूर फॉलो कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।